देखो, इससे पहले वाले दिन में हमने क्या किया था, आपको फ्रिक्शन एंगल के बारे में बताया था, ठीक है। और फ्रिक्शन एंगल मैंने कैसा बताया था, मैंने ये बोला कि अगर ये ग्राउंड है, रफ होना चाहिए, मान लो ये रफ सरफेस है, और इस रफ सरफेस के ऊपर अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है, रफ सरफेस था और रफ सरफेस के ऊपर अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो सपोज द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज एम। अब ये जो ब्लॉक है ये जस्ट चलने वाला है, ये याद रखेंगे, ये जो ब्लॉक है ये जस्ट चलने वाला है, जस्ट चलने वाला है। अब ये अगर जस्ट चलने वाला है, और ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये इस डायरेक्शन में चलेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की चलने की टेंडेंसी होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन को दिखाते हैं। तो फ्रिक्शन अगर ये जस्ट चलने वाला है, मतलब इस इंस्टेंट पे जो फ्रिक्शन यहाँ पर आप दिखाओगे वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमने दिखा दिया इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन, इधर कौन सा फ्रिक्शन है, एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग मतलब एफ एस मैक्स का फ्रिक्शन इधर लग रहा है, और क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का खुद का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एम जी, और इसको ग्राउंड से मिल रहा होगा एक नॉर्मल, ग्राउंड बोलेगा कि तुमने फोर्स लगाया है तो मैं भी फोर्स लगाऊंगा, तो इसको क्या मिलेगा, एक मिलेगा नॉर्मल। ये तीन फोर्सेस हैं, इसके अलावा एक एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स भी होगा जिसको जिसके बारे में बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं, ये जो नॉर्मल रिएक्शन था और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये नॉर्मल फोर्स है इस डायरेक्शन में, दोनों का अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में कहीं पर आएगा। तो ये हमारे पास हो गया नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम क्या करते हैं, लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स, या एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स एंड द नॉर्मल। ये थोड़ा मिसलीडिंग है या थोड़ा अजीब सा लग सकता है कि सर आप अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो फ्रिक्शन वाला फोर्स तो यहाँ पर है ही नहीं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसके बीच का एंगल है, तो ये जो रिजल्टेंट है और ये जो नॉर्मल है इनके बीच का जो एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस थीटा इज ओनली नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट है और ये इसका हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम टैन थीटा का वैल्यू अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो टैन थीटा क्या होता है, ये होता है हाइट अपॉन, टैन थीटा हो जाएगा हाइट अपॉन बेस। अब हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइट मींस यहां से लेके यहां तक का लेंथ। अब वो क्या है, वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप इस ट्राइंगल को देखकर ये लिख सकते हो कि टैन थीटा जो, न्यूवेस बिल्कुल टैन थीटा जो होगा वो हो जाएगा एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल। बेस क्या हो गया, बेस हो गया नॉर्मल। अब एफ एस मैक्स हम जानते हैं कि एफ एस मैक्स का वैल्यू अगर कभी भी कैलकुलेट करना होता है तो वो होता है म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल डिवाइडेड बाय नॉर्मल। ये नॉर्मल से नॉर्मल जब आप गायब कर दोगे तो आप देखोगे कि थीटा जो है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो टैन इनवर्स म्यू एस से उसका वैल्यू हमें क्या होगा, मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टैन इनवर्स थीटा का वैल्यू या एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आया क्या समझ में सबको? सर दो बातें आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन में याद रखनी है, क्या, एक तो डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन जो है कि जो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे यहां पर अगर कोई आपसे पूछता कि नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप लिख देते नॉर्मल प्लस म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल का होल स्क्वायर।
जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आप नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट कर सकते थे। और अगर आपसे कोई पूछता कि व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आप रिप्रेजेंट, ये थीटा एंगल जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये टैन थीटा जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट और स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल आ जाता है। तो आप ये रिलेशन याद रख लो, या जो नेक्स्ट वाला रिलेशन इसके बाद लिखा है वो याद रख लो। तो इतनी बातें आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन में याद रखनी पड़ेगी। आया क्या समझ में? सर ओके, अब एक और यस डेफिनेशन होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम यहां पर देखेंगे दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, अब बोलोगे सर आपने पोज पढ़ाया नहीं, रिपोज पहले पढ़ा रहे हो, अब पता नहीं इसका नाम एंगल ऑफ रिपोज क्यों है, नाम मेरे को भी नहीं पता ऐसा नाम क्यों गिवन है। लेकिन एंगल ऑफ रिपोज के लिए ना हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करते हैं ना, एक बुक या एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो अपने पास में और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख लो। कोई ब्लॉक है क्या? ये चार्जर का, ये दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है क्या तुम लोगों को? यस ठीक है ना, सबको दिख रहा है ये? सर अभी क्या करते हैं ना, ये जो बुक है इसको टिल्ट करना स्टार्ट करते हैं, एंगल में इंक्लाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे एक सर्टेन एंगल आने पर, मतलब टिल्ट कर रहे हैं, ये जो ऊपर ब्लॉक रखा है वो नहीं स्लाइड कर रहा है, लेकिन जैसे ही एक सर्टेन एंगल आता है उस सर्टेन एंगल के बाद ये जो ब्लॉक है वो नीचे स्लाइड करना स्टार्ट करता है। दिखा क्या ये डायग्राम में? सर अच्छा, अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल एंगल फ्रॉम द बेस, ये जो इंक्लिनेशन एंगल है जिसके बाद से ऑब्जेक्ट ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट करता है, इस एंगल को ही एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, मान लो मैं इसका डायग्राम बनाऊं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लाइडिंग, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लाइडिंग, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड नहीं कर रहा होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लाइडिंग, उस समय का अगर बात हम करें, ऐसा डायग्राम हमने बनाया, मान लो ये जो एंगल है वो कुछ एंगल अल्फा है, और इस एंगल पर ये मैंने बोला कि एक सर्टेन एंगल आने पर ही वो जो ब्लॉक है वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, अगर उस एंगल से कम पर होंगे तो वो स्लाइड नहीं कर रहा ना, हाँ या ना? सर ओके, तो मान लो ये जो अल्फा है, इस अल्फा इंक्लिनेशन पर ये जो ब्लॉक यहां पर रखा हुआ था ना वो स्लाइड नहीं कर रहा था, अल्फा इंक्लिनेशन पर ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, इफ दिस ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग। अब अगर आप इसका फ्री बॉडी, फिजिक्स में एनएलएम अगर सीखना है तो फ्री बॉडी डायग्राम, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम सही से बनाना आता है तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले दिखाएंगे इसका खुद का वेट एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर क्या दिखाएंगे, ये सरफेस है तो सरफेस से दिखा देंगे नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अगर और कोई फोर्स है क्या इसके अलावा? सर लाइक टुवर्ड्स द ग्राउंड एक फोर्स होगा जिससे वो टुवर्ड्स इंक्लाइन कर रहा हो टुवर्ड्स द ग्राउंड एक फोर्स होगा, कौन अप्लाई करेगा वो? सर, ये एंगल की वजह से वो टिल्ट हो गया है तो हाँ, तो सर एमजी को रिजोल्यूट कर लेंगे तब उसके बाद वो फोर्स आएगा नीचे की हाँ, तरफ। तो अभी एमजी को रिजोल्व नहीं किया है, एमजी को रिजोल्व करने से पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने दो फोर्सेस दिखाए, एक फोर्सेस मैं बता रहा हूं जो ऑब्जेक्ट का वेट है, और दूसरा फोर्स ये जो सरफेस ने अप्लाई किया ऊपर की तरफ। इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या अभी? नो सर अगर आप बात करोगे तो सिर्फ दो ही फोर्स है, नॉर्मल और एमजी। ये एमजी किसने अप्लाई किया, तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, और ये नॉर्मल किसने अप्लाई किया, तो अगर कॉन्टैक्ट है तो यहां पर क्या होगा, नॉर्मल होगा। अच्छा, अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं मूव कर रहा, अगर तुम खुद से सोचोगे, मैंने बोला अगर ये एमजी है ये अल्फा है तो ये एंगल भी तो अल्फा हुआ ना, हाँ या ना? ये अल्फा है तो सर ऑब्वियसली यस अल्फा सर होगा। अच्छा, यस सर आप इस एमजी को रिजोल्व करो, अगर आप इस एमजी को रिजोल्व करोगे तो यू विल गेट अ कंपोनेंट ऑफ एमजी अलोंग दिस डायरेक्शन, ये हो गया एमजी कॉस कॉस अल्फा, थीटा अल्फा सॉरी ये एंगल अल्फा अल्फा है, और यहां पर एक कंपोनेंट आ जाएगा, यू विल गेट अ कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन एंड दिस कंपोनेंट इज एमजी जी साइन को साइन अल्फा। अल्फा अब आप ऐसा समझ लो ना, ये एमजी को मैंने ब्रेक किया है, मतलब एमजी के प्लेस में ही एमजी कॉस अल्फा और एमजी साइन अल्फा लगाया है। ये मत सोचना कि सर ये एम जी कॉस अल्फा और एम जी साइन अल्फा कोई नया फोर्स आ गया क्या, नहीं, आप ऐसा समझो ये एम जी जो थे ये बाबू जी थे और अब एम जी के दो बेटे आ गए,
एक वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में, मतलब जितना प्रॉपर्टी एमजी ने होल्ड करके रखा था, अब मैंने उसको दो लोगों में बांट दिया है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। समझ में आया क्या? यस सर। तो अगर आपने इसको डिवाइड कर यस दिया सर। मतलब इसका खुद का एग्जिस्टेंस गायब हो गया। ऐसे ऐसे में ये जो सांप जैसा बना था उसका क्या मतलब हो गया कि अब ये नहीं है, इसके प्लेस में ये दोनों है। अभी आप खुद से सोचो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है या नहीं, यस सर है सर। अलोंग वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम है तो नॉर्मल का वैल्यू एम जी कॉस अल्फा के इक्वल होगा ना, हाँ या ना? यस सर। यस। ओके, यस सर। वाई वाई एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम है या नहीं, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम है? नो सर। नो नहीं, सर। मैंने तो ये बोला ये नहीं चल रहा है, देन द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लाइडिंग। सर तो है। तो सब है, तो है फिर कौन इक्विलिब्रियम। रोक रहा होगा इसको, कौन रोक रहा होगा? एम जी साइन है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। यहां पर फ्रिक्शन होगा तभी क्या हो सकता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लाइडिंग। क्योंकि अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं है ना, और तुम अगर ऐसे स्लाइड करोगे, तो जैसे स्लाइड करोगे ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो नीचे ऐसे गिरना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मैंने बोला कि सर्टेन एंगल तक वो नहीं गिर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली उसको गिरने से कौन रोक रहा है, उसको गिरने से रोक रहा है यहां पर फ्रिक्शन। अब यहां पर जो फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक, काइनेटिक, लिमिटिंग? अटैक। स्टैटिक। यहां पर जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। अब अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसका वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा क्या, हाँ या ना? तो इस पॉइंट पर हम ऐसा लिख सर सकते हैं क्या, जो फ्रिक्शन स्टैटिक क्यों, ऑब्जेक्ट तो अभी मूव कर रहा है नहीं ना। कर रहा ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लाइडिंग, ऊपर हेडिंग में साफ साफ लिखा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लाइडिंग, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब इस फ्रिक्शन ने एम जी साइन अल्फा को काउंटर बैलेंस करके रखा है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे डेवलप हो रहा है वो एम जी साइन अल्फा को गिरने नहीं दे रहा ना, यस हाँ या? सर। समझ में आया ना? और ये कौन सा फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लाइडिंग। आया क्या सबको समझ में ये? ओके, मान लो मैं सेम डायग्राम बनाऊं और अब मैं बोलूं कि द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव। मान लो ये जो इंक्लिनेशन है वो कोई तो थीटा एंगल का है, कोई तो थीटा एंगल का इंक्लिनेशन है, और अब क्या मैं बोल रहा हूं कि इस इंक्लिनेशन के बाद द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्लाइड। कोई तो थीटा एंगल का इंक्लिनेशन है और अब ये ऑब्जेक्ट जस्ट चलने वाला है। फिर से मैंने बोला कि जस्ट चलने वाला है, अभी चला नहीं है, बस थोड़े ही इंस्टेंट के बाद ये जस्ट चलने वाला है। अगर ये जस्ट चलने वाला है तो फिर से फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस दिखाएंगे? तो सबसे पहला फोर्स दिखा देंगे इसका खुद का वेट एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये कॉन्टैक्ट बना रहा है तो नॉर्मल आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इस बार मान लो नॉर्मल एन वन, ये एन ही रहने देते हैं। और क्या है इसके अलावा, और कोई फोर्स है क्या? अभी फ्रिक्शन रहेगा। फ्रिक्शन रहेगा, बिल्कुल रहेगा। फ्रिक्शन तब रहेगा जब हम क्या करेंगे, फोर्सेस को रिजोल्व कर लेंगे। तो रिजोल्व करने के लिए आप ऐसा कर लो, मैं इसको मान लेता हूं वाई एक्सिस, क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा, इसको मान लेते हैं दिस इज वाई एक्सिस, और जिस एक्सिस के अलोंग मोशन होगा उसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस। जब तक ये छोटी छोटी बातें नहीं समझोगे ना, फिजिक्स ये नहीं होता कि बड़ी बड़ी बातें सीख लिया सर, कि सर एचसीवी सॉल्व करना है, इरोडो सॉल्व करना है, क्रोटो सॉल्व करना है, बड़ी बड़ी बातें कर लिया, फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। फिजिक्स सीखने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक हमारे टाइम में एक सीरियल आता था शक्तिमान, शक्तिमान में वो एक उनका शक्तिमान तो देता ही था, साथ ही साथ वो उनका एक छोटा सा सेक्शन था कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ऐसा वो सेक्शन था। उसमें शक्तिमान क्या करता था, लोगों को अच्छी बातें सिखाता था कि पानी गर्म करके पीना चाहिए, खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, ये उस तरह की बातें वो सिखाता था। वो अलग बात है बच्चे नहीं सीखते थे, लेकिन शक्तिमान का काम था सिखाना, वो सिखा रहा था। तो ये जो छोटी छोटी बातें है, अब डेफिनेटली ये बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप ये सब बातों को नहीं ध्यान रखोगे ना, तो जो गलती होगी वो बहुत मोटी हो जाएगी। तो आज मेरे को समझ में आता है कि वो शक्तिमान ने वो सेक्शन क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही गलतियां कराती हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सिस किसको मान रहे हैं, कैसा मान रहे हैं। अब इफ दिस एंगल इज थीटा तो हम क्या बोलेंगे, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। इस पॉइंट पर अगर आप एम जी को रिजोल्व करते हो तो एम जी का एक बेटा इधर आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और एम जी का एक बेटा इधर आ जाएगा। दोनों बेटे जी बेटों साइन में थीटा। लड़ाई हो गई है, दोनों बेटों ने अपना रास्ता अलग अलग कर लिया है,
तुम एक्स में जाओ, मैं वाई में जाता हूँ, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छी बात है, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी बन गए, दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते। वो अलग बात है कि मुकेश अंबानी अलग लेवल पे पहुंचता जा रहा है, अनिल अंबानी नीचे गिरता जा रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। अब अगर मान लो मैं इस पॉइंट पर देखूं, अगर ये जस्ट चलने वाला है, जस्ट चलने वाला मतलब चला नहीं अभी, जस्ट चलता, ये थोड़ा सा और ज्यादा कोई फोर्स अप्लाई कर देगा, मतलब इस इंक्लिनेशन में थोड़ा सा और कोई ज्यादा इंक्लाइन कर देगा ना, जैसे अभी अभी ये जस्ट चलने वाला है, थोड़ा ज्यादा और इंक्लिनेशन करोगे तो जस्ट वो स्लाइड कर जाएगा। तो इस पॉइंट पर अगर ये नहीं चल रहा अभी भी, इसका मतलब अभी भी फ्रिक्शन होगा, और इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, वो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है एफ एस मैक्स। ये समझ में आया क्या सबको? ओके, यस सर। तो फिर से अगर मैं बात करूं तो अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के अलोंग बात किया जाए तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या बोल सकते हैं, वो जो नॉर्मल होगा वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा, और ये जो एफ एस मैक्स का वैल्यू होगा, एफ एस मैक्स का जो वैल्यू होगा वो एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा क्या? अब मैंने इक्वल क्यों रखा, क्योंकि ये अभी भी इक्विलिब्रियम है, अभी भी वो गिरा नहीं है, इससे थोड़ा सा ज्यादा इंक्लिनेशन हो, थोड़ा ज्यादा मतलब इतू सा ज्यादा, इतू सा एकदम, थोड़ा सा भी ज्यादा कर दोगे तो दिस ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग। तो अभी वो गिरना नहीं स्टार्ट कर रहा है, तो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब इन प्लेस ऑफ एफ एस मैक्स हमने पढ़ लिया है कि सर एफ एस मैक्स का वैल्यू तो म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल होता है, तो म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल जो है वो एम जी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब आप नॉर्मल के प्लेस में ये वैल्यू रख सकते हो, इफ दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू म्यू एस टाइम्स ऑफ एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी विल गेट कैंसल्ड फ्रॉम दिस एम जी, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। बोले कि सर अभी तो ये ऐसा ही कुछ रिलेशन आया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी तो ऐसे ही आया था ना सर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है। आप एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करो या एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करो, दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में दोनों अलग अलग बातें हैं। एक आपको ये बताता है कि रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, और एक आपको ये बताता है कि कितने इंक्लिनेशन पे ब्लॉक को रखा जाए जिससे वो अपने वेट के कारण ही गिरना स्टार्ट हो जाए। आया क्या समझ में ये दोनों डेफिनेशन? सर मतलब ये थीटा और वो वाला तो हमेशा सेम रहेंगे ना? दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन दोनों कंसेप्ट वाइज बिल्कुल अलग है, दोनों का वैल्यू ये वाला सेम होगा। पॉइंट आप दोबारा से समझा सकते हैं क्या? ये पूरा ना ना ना, एंगल ऑफ रिमोट क्या होता रिपोज, रिपोज एंगल ऑफ रिपोज, है? देखो रिपोर्ट। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या था, मैंने क्या बोला, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था ना, ब्लॉक को हमने रखा, ब्लॉक नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, एक सर्टेन एंगल आएगा जब ब्लॉक अपने वेट के कारण क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे ब्लॉक अपने वेट के कारण स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, वो रुक जा रहा है, बहुत उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे ही अच्छा रास्ता था, एक बहुत ही दुर्गम रास्ता था, दुर्गम रास्ते में वो नहीं होता। अब देखो एक सर्टेन एंगल के बाद वो अपने वेट के कारण स्लाइड करना स्टार्ट करता है, तो जिस एंगल के बाद वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है उस एंगल को ही एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अब हमने क्या किया, एंगल ऑफ रिपोज मुझे कैलकुलेट करना था, तो मैंने फोर्सेस रिजॉल्व किया, तो एक दो ही फोर्सेस दिख रहे थे, तो एम जी और एक नॉर्मल, और जब आपने एम जी साइन थीटा कॉम्पोनेंट बनाया तो मैंने ये बोला कि अभी तक ये चला नहीं है, जस्ट अब ये चल देता अगर आप थीटा को और थोड़ा ज्यादा इंक्रीज कर देते, तो अगर ये चला नहीं है मतलब अभी भी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जितना फोर्स इस डायरेक्शन में होगा उतना ही फोर्स कोई इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा, तो कोई नहीं है तो कौन है, फ्रिक्शन है, जिसका कोई नहीं होता उसका फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ पे इस ब्लॉक को गिरने से कौन रोक रहा था, फ्रिक्शन रोक रहा था। अब ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम हद है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन का वैल्यू वो नहीं लगा सकता, तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम हद है वो क्या है, एफ एस मैक्स, तो यहाँ पर एफ एस मैक्स एम जी साइन थीटा के बराबर है। तो हमने अभी पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि एफ एस मैक्स जो है वो म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल होता है, तो अगर आप नॉर्मल का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन को देख के सब्सटीट्यूट करोगे तो एम जी कैंसल, तो म्यू एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, टैन थीटा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि थीटा का वैल्यू यहाँ पर भी टैन इनवर्स म्यू एस आ रहा है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज, और अभी जो 10 मिनट पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल ही अलग अलग है। आया क्या समझ में ये? यस सर।
सबको समझ में आया? यस। दो लोगों ने हाँ बोला, तीन? यस सर। चार? यस सर। यस सर। ओके चलो ठीक है। तो मैंने आज के लेक्चर में, अब अगर तुम देखोगे ना तो ये डेफिनेशंस भी पूछते हैं, वो जो 11th का एग्जाम होगा ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, डेफिनेशन नहीं आएगा, लेकिन 11th का जब एग्जाम होगा तो वो तुमसे पूछेंगे कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज आप क्या लिखोगे, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? तो मिनिमम एंगल ऑफ थीटा या मिनिमम इंक्लिनेशन गिवन टू द प्ले सच दैट एन ऑब्जेक्ट कैन स्टार्ट स्लाइडिंग इन दिस प्ले because of the weight of the object itself. तो अगर ऐसा definition लिखोगे तो you'll get the full marks. अब ये सब जो definition repeat कीजिए। देखो definition क्या है? Angle of friction का definition तो बहुत ही आसान है। The angle between resultant and normal force is known as angle of friction. और angle of repose में आप क्या लिखोगे? The minimum inclination angle given to a plate such that ब्लॉक केप्ट ऑन द प्लेन विल स्टार्ट स्लाइडिंग बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट। मैं लिखा दूं क्या या बुक से देख लोगे? लिखो एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन लिखो, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन लिखेंगे, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवेन टू अ प्लेन, minimum angle of inclination given to a plane such that a block kept on the plane, such that a block kept on the plane starts sliding, such that a block kept on the plane starts sliding because of components of its weight, because of component of its weight. सर आप दोबारा बोल सकते हैं क्या? हाय राम, मैं भूल जाऊंगा यार, इतना मेरे से पूछोगे दोबारा वगैरह। फिर से देखो मैंने क्या बताया था, कैसे स्टार्ट किया था हमने? The minimum angle of inclination given to a plane, rough plane लिख लेना वहां पे, the minimum angle of inclination given to a rough plane such that the block kept on the plane start sliding because of component of its weight. ठीक है, इस तरह से आपको डेफिनेशन लिखना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का लिख लोगे ये बता दू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन, या द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल is known as angle of friction. ठीक है, clear है ना? Okay. अभी एक तुमने देखा होगा क्रिकेट के ग्राउंड में कभी गए हैं क्या? क्रिकेट देखा है? क्रिकेट? Yes sir. Yes sir. तो वो वाला नहीं, गली क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, जहाँ पे ग्राउंड होता है। Stadium sir. Stadium. कटक गए थे? Yes sir. बारामती stadium. Yes sir. तो kids stadium भी है? Kids stadium. हाँ kids stadium है बिल्कुल, वो किम्स के पास में है शायद किड स्टेडियम। हाँ तो वहां पर देखना, जब वो पिच को रोलर से रोल करना होता है, मतलब पिच को फ्लैट करना होता है, दिखा है क्या? रोलर होता है, रोलर को ऐसे ड्रैग करते हैं, या वो जो गार्डनर होता है, वो गार्डनर क्या करता है, उनको जो घास काटना होता है उसके पास एक डिवाइस होता है ऐसे जिससे वो ड्रैग कराता है। यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इजी, पुलिंग एन ऑब्जेक्ट इज इजी और पुशिंग एन ऑब्जेक्ट इज इजी, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि व्हिच वन इज इजी। जैसे क्वेश्चन क्या है, मैं सिनेरियो के साथ समझाता हूं। पुशिंग इज इजी, देखते हैं पता नहीं क्यों पुशिंग इजी है, पुलिंग इजी है, कौन इजी है? तो क्योंकि हम लोग पुशिंग में अलोंग द ग्रेविटी जा रहे हैं, इसलिए पुलिंग में अगेंस्ट जा रहे हैं। ओके देखते हैं,
ठीक है, जैसे मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ ऐसे, या रोलर ही बना लेते हैं ना, रोलर का फ्रंट व्यू, सामने से देखा तो रोलर कैसा दिखा, तो सामने से अगर आप रोलर को देखोगे तो रोलर एक पहिए के जैसा दिखेगा, छोटा रोलर हवा में उड़ रहा है, अरे सर्कल क्यों नहीं बन रहा। अब ये मान लेंगे कि इट इज अ सर्कल, ठीक है, तो ये रोलर है। अब ये जो रोलर है ना, रोलर एक दो केजी का नहीं होता, भारी भरकम होता है रोलर, वो देखा है रोड रोलर, वो जो रोड बनाने में यूज होता है। अब जो रोड रोलर जो रोड बनाने में यूज होता है उसमें तो वो इलेक्ट्रिकल मोटर होता है, उसके कारण वो मूव करता है, लेकिन जो स्टेडियम में यूज होता है ना उसमें अगर आप देखोगे तो एक्सल लगा हुआ है, ऐसे एक रॉड लगा हुआ होता है, और ये रॉड के हेल्प से आपको क्या करना होता है, रोलर को पुश करना या पुल करना होगा, ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम होता है इसका, ठीक है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे ऐसे, तो आप क्या कर रहे हो, रोलर को पुश कर रहे हो। अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो आप रोलर को क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। और अगर आप ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे, अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया इस सेंस में, मतलब आप क्या कर रहे हो, रोलर को पुल कर रहे हो, तो एग्जाम में वो पूछेंगे, एग्जाम में या नॉर्मल कंसेप्ट भी है, कि विच वन इज इजी, पुशिंग अ रोलर इज इजी और पुलिंग अ रोलर इज इजी। तो हम पहले क्या करते हैं ना, पुशिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं पुशिंग अ रोलर, पुशिंग अ रोलर। अब पुशिंग अ रोलर का मतलब है कि इसका होने का जरूरत नहीं है, अब पुल पुश कर रहे हैं तो इसके होने का मतलब नहीं। अब देखो पुशिंग अ रोलर में आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा जो बहुत जरूरी है। क्या क्या फोर्सेस होगा, भारी भरकम सा वेट एमजी, कैपिटल एमजी, भारी भरकम सा वेट, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ऊपर की तरफ नॉर्मल। अगर आपका अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, अगर आपका अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है तो अप्लाइड फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ये जो अप्लाइड फोर्स था, अगर आप अप्लाइड फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो अप्लाइड फोर्स के दो बेटे, एक फोर्स इधर चला जाएगा, इसको मान लो एफ हॉरिजॉन्टल मैंने बोल दिया, और इस अप्लाइड फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ वर्टिकल। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. और जो ग्राउंड है, ग्राउंड तो रफ है, अगर ग्राउंड रफ है तो अगर इस रोलर की टेंडेंसी आगे जाने की है तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो मान लो पीछे लगेगा। अब आप ध्यान से सोचो, अगर मैं इस केस में बात करूं कि एफ एच का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वही तो रोलर को आगे लेके जाएगा, तो अगर मैं ये देखूं कि ये जो एफ एच है, इस एफ एच का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो एफ एच का वैल्यू डेफिनेटली क्या होना चाहिए, वो जो फ्रिक्शन फोर्स है, एफ एच का वैल्यू जो है वो डेफिनेटली फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के या तो बराबर होना चाहिए, बराबर मतलब जस्ट इक्वल भी अगर होगा या इक्वल से थोड़ा भी ज्यादा होगा तो ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा, या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये जो एफ एच का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो म्यू एस टाइम्स ऑफ एफ एस मैक्स, ऐसा होना चाहिए क्या? उल्टा हो गया, ये म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल, ऐसा होना चाहिए क्या? हाँ या ना? अगर आप चाहते हो कि ये रोलर पुश हो जाए तो एफ एच का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल होगा, और अगर आप वाई डायरेक्शन में देखोगे तो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो इस केस में अगर आप नॉर्मल का वैल्यू लिखते हो, ग्रेटर देन होगा ना, इक्वल टू तो नहीं होगा, इक्वल टू होगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा ना? नहीं, इक्वल टू का मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मान लो अगर 50 न्यूटन था इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन जो ये अप्लाई कर सकता है वो 50 न्यूटन, मैं 50.00001 भी अप्लाई कर दूं अगर, तो ये ब्लॉक तो चलना स्टार्ट कर देगा ना, इसका ये मतलब है कि 50 से थोड़ा सा ज्यादा, अब बहुत ही नेग्लिजिबल ज्यादा भी होगा तब भी ये चलना स्टार्ट कर सकता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। आया समझ में? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल कितना है, तो नॉर्मल है एफ वर्टिकल प्लस mg, इतना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप इस रोलर को पुश कर लो। अच्छा, अब अगर मैं पुलिंग के बारे में बात करूं, पुलिंग का नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, इसमें किसी को डाउट है क्या? म्यूएस टाइम्स ऑफ नॉर्मल क्यों होगा? म्यूएस, ये तो फ्रिक्शन का वैल्यू ऐसे ही फाइंड आउट करते हो ना, फ्रिक्शन का अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो म्यूएस टाइम्स ऑफ नॉर्मल ही तो होता है। यस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज में देखते हैं
कि अगर मुझे पुल करना होता तो व्हाट वुड हैव बीन द सिनेरियो. तो फिर से ये ग्राउंड बना लिया, लाल जमीन अच्छी नहीं लगती, काली जमीन है, काली जमीन बंजर जमीन, और इस पे रोलर रखी हुई है इस तरह से. ठीक है, अब ये रोलर है, इस बार क्या करना है, पुल करना है. पुल करना है मतलब फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, ऐसा ऐसा इस बार फोर्स अप्लाई करना है. अच्छा, और क्या क्या फोर्सेस दिखा दोगे? तो सबसे पहला फोर्स दिखाएंगे इसका खुद का वेट, ऊपर दिखाएंगे नॉर्मल. तो ये ऊपर के डायरेक्शन में आ गया नॉर्मल, नीचे के डायरेक्शन में आ गया mg. और अगर ये पुल करने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, अगर ये पुल करने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो क्या करते हैं, अगर इस पुल करने वाले फोर्स को रिजॉल्व कर दे, इसके अगर दो कॉम्पोनेंट्स बना ले, तो एक कॉम्पोनेंट चला जाएगा इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा एफ हॉरिजॉन्टल, और एक कॉम्पोनेंट चला जाएगा ऊपर के साइड में जो हो जाएगा एफ वर्टिकल. एफ वर्टिकल ऊपर आ गया और एफ हॉरिजॉन्टल इस साइड आ गया. अच्छा, फिर से अगर इस रोलर की टेंडेंसी आगे जाने की है, तो इसमें फ्रिक्शन जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, पीछे लगेगा. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन ऑर्डर टू मेक दिस ऑब्जेक्ट मूव, इन ऑर्डर टू मेक दिस ऑब्जेक्ट मूव, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगना चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगना चाहिए, उसका वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल होना चाहिए. तो इस बार अगर आप नॉर्मल देखोगे ना, तो इस बार क्या है, नॉर्मल प्लस एफ वी एम जी के इक्वल है. तो नॉर्मल इस बार हो जाएगा एम जी माइनस एफ वी. तो आप खुद से देखो, ये सेकेंड वाले सिनेरियो में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो डेवलप हो रहा है, वो जो मेरे को चाहिए वो है म्यू एस एम जी माइनस एफ वी. और फर्स्ट वाले केस में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए था वो था म्यू एस एम जी प्लस एफ वी. अब आप बताओ कि कौन सा तरीका सही होगा, पुल करना सही है या पुश करना सही है? पुश करना सर. एम जी माइनस एफ वी क्यों होगा और एम जी प्लस? ये बाई डायरेक्शन में अगर देखोगे तो आप क्या लिखोगे, एन प्लस एफ वी इज इक्वल टू एम जी. ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेट करूं तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ वी हो गया क्या? हाँ या ना? Yes. तो ये सिनेरियो है पुल का और ये सिनेरियो है पुश का. तो कौन सा इजी है, पुश करना इजी है? पुश करना इजी है. अरे पुश करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, म्यू एस एम जी प्लस एफ वी. पुल करने में कम फोर्स में काम हो जाएगा, एम जी माइनस एफ वी. आप पुल करोगे तो कम हॉरिजॉन्टल आपको कंपोनेंट चाहिए, पुश करोगे तो ज्यादा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए. तो जब आप रोड रोलर को ऐसे पुश करोगे ना, तो आपको ज्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन जब आप रोड रोलर को ऐसे पुल करोगे तो इजिली आपका काम हो जाएगा. इसलिए दो ऑपोजिट सिनेरियोस बताता हूं मैं. जो रोलर होता है ना, रोलर को आप देखना, रोलर को ऐसे ड्रैग नहीं करते आगे ले जाके, रोलर को क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं, पुल करते हैं रोलर को. लेकिन वो जो गार्डनिंग वाला जो मशीन होता है, जिसे वो पत्तों को काटते हैं, गार्डनिंग वाले मशीन को देखना, वो पुश करते हैं. क्यों? क्योंकि वो वहां पे चाहते हैं कि जितना ज्यादा नॉर्मल डेवलप होगा, उतना ज्यादा वो क्या कर सकता है, ग्रासेस को कट कर सकता है. तो दो अलग अलग इफेक्ट होता है. नहीं आया ऐसा समझ में? ये सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया. कौन सा पॉइंट? सेकंड वाला क्यों mg minus fv fv होगा और फिर अरे ये देखो, तो नीचे वाला क्यों mg plus fv? देखो यहां पे mg plus fv, देखो तो n plus fv is equal to mg, y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है ना. तो जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है. तो आप क्या लिखोगे, n plus fv is equal to mg. तो यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू mg minus fv हुआ ना. तो इन केस ऑफ पुलिंग जो नॉर्मल डेवलप हुआ है वो है एम जी माइनस एफ वी का. तो कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो म्यू एस एम जी माइनस एफ वी का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. और अगर आप पुश कर रहे थे, जब आप इसको पुश कर रहे थे, तो उस केस में जो नॉर्मल डेवलप हुआ है, देखो नॉर्मल ऊपर है ऐसे और नीचे की तरफ फोर्स क्या है, एफ वी प्लस एम जी. तो यहां पर जो नॉर्मल है उसका वैल्यू एफ वी प्लस एम जी है. तो जो फोर्स जनरेट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हो गया म्यू एस एफ वी प्लस एम जी. तो ये फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. जब आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. अब जब पुल करने की कोशिश कर रहे हो तो जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है वो कम भी रहेगा तो काम हो जाएगा ना. तो अपने को तो रोड रोलर को चलाना होता है. तो अगर रोड रोलर को चलाना है तो आप क्या चाहोगे, कि कम एफर्ट में चले या ज्यादा एफर्ट में चले? कम एफर्ट में चले. तो डेफिनेटली यहाँ पर कम एफर्ट लग रहा है. तो दैट्स वाई क्या होता है, पुलिंग एन ऑब्जेक्ट इज ईजियर. Pulling
एंड ऑब्जेक्ट इज इजियर easier compared to pushing आया क्या समझ में? Yes, सबको समझ में आया ये बात? आया ना कुछ तो? Yes, sir. बहुत टफ था क्या? नहीं. Yes, sir. बहुत टफ था? नहीं. ओके तो देखो, मैंने अभी तक आपको ना कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता दिए. मैंने आपको टाइप ऑफ फ्रिक्शन बता दिया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता दिया, एंगल ऑफ रिपोज बता दिया, ग्राफ बता दिया, पुलिंग पुशिंग बता दिया. ये सब जितना मैंने बताया था ना, सब स्कूल कॉलेज में पूछते हैं. अब जो पढ़ेंगे ना वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा. तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम स्कूल से बाहर निकलेंगे, कॉम्पिटेटिव की दुनिया में आएंगे. कोई भी डाउट है क्या किसी को भी? सर मुझे एक डाउट था. बोलो बोलो. सर ये जो हम स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएंगे वो नॉर्मल के प्रोपोर्शनल क्यों होता है? क्यों होता है? देखो ये बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है वो नॉर्मल के प्रोपोर्शनल हो रहा है. ये तो ऐसा बात हो गया ना कि सर फोर्स इज इक्वल टू अविनाश को है. हाँ वैसे ही बात हो गया. मतलब एक तरह समझो कि वो रियलिटी में ऐसा हो रहा है, वो मैंने और आपने नहीं बनाया, वो रियलिटी में एक्सपेरिमेंट किया गया तो चेक किया गया कि अच्छा कभी भी फ्रिक्शन का फोर्स अगर देख रहे थे तो वो नॉर्मल के प्रोपोर्शनल आ रहा है. तो इसका ऐसा कोई रीजन नहीं है कि सर ऐसा क्यों हुआ. जैसे अगर मैं बोलता हूँ ना कि सर ग्रेविटी नीचे ही क्यों लग रहा है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे ही क्यों पुल कर रहा है, तो इसका कोई रीजन नहीं है. अर्थ नीचे पुल कर रहा है क्योंकि उसका सेंटर वहां पर है. हम हर कोई अर्थ के सर्फेस पे, इसलिए वो हमेशा अपने सेंटर की तरफ पुल कर रहा है. तो ये ऐसा ही कोई बात हो गया, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो इसका कोई रीजन नहीं है ना. Yes, ठीक है, तो वो वैसा बात हो गया. आया समझ में? Yes, sir. Okay. तो अब क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. और न्यूमेरिकल यहाँ पर होंगे थोड़े थॉट प्रोवोकिंग, थोड़े सोचने पड़ेंगे आपको. पहले तो आपको गेस करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का फ्रिक्शन लग रहा है. जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट टाइप क्वेश्चन से, सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट टाइप. प्रीवियस स्लाइड पे जाओ ना, प्रीवियस स्लाइड पर ये देखो. कोई डाउट है? No, sir. अरे नोट वोट करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, आप इधर मत करो नोट वोट. देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है ना, एक ऐसा सरफेस है एकदम खुरदुरा, रफ सरफेस, अच्छा सरफेस नहीं है, रफ सरफेस. और यहां पर हमने रख दिया एक ब्लॉक, और इस ब्लॉक को ना एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया है 40 मीटर पर सेकेंड का. इस ब्लॉक को हमने क्या कर दिया, एक इनिशियल वेलोसिटी दिया है 40 मीटर पर सेकेंड का. और ये बोला गया है कि यहां पर म्यू का वैल्यू जो है वो है 0.4, जो भी एसआई स्टैंडर्ड्स में म्यू का ऐसा कोई यूनिट नहीं होगा. जैसे अगर आप म्यू का यूनिट फाइंड आउट करने जाओगे तो फोर्स बाई फोर्स है तो वो कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी है. तो यहां पर ये बोल दिया गया है कि इफ दिस ब्लॉक, ठीक है, एमआरएस ब्लॉक हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, और फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन है मतलब डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आ जाएगा ना. Yes, sir. Okay. तो उन्होंने यही पूछा कि आफ्टर वॉट टाइम, आफ्टर वॉट टाइम द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट. कोशिश करते हैं, आफ्टर वॉट टाइम. एक्सेलरेशन पहले निकालेंगे क्या? सोचो, देखो क्या करना पड़ेगा. सर एक्सेलरेशन निकल गया तब टाइम निकल जाएगा, वो v minus u by t कर. बिल्कुल, अगर एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो टाइम मिल जाएगा. तो आप सोचो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन है. मैं बोलूंगा कि सबको ट्राई करना है, जितने लोग प्रेजेंट हैं सबको ट्राई करना है. 42 पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ लोग ना एकदम लास्ट में आते हैं, अटेंडेंस मार्क करा के चले जाते हैं. अबिप्सा आपने कब ज्वाइन किया था मीटिंग? अबिप्सा दलाई, ये जो म्यू है आपने मीटिंग कब ज्वाइन किया था? ऐसा नहीं चलेगा यार कि आप लास्ट में आओगे हो जाएगा काम. हाँ बोलो अर्पित, क्या पूछ रहे थे? सर ये जो म्यू एस है ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन? वो देखो मैंने क्या बताया था, वो क्वेश्चन में कभी कभी अलग अलग भी गिवन हो सकता है, कभी कभी सबका वैल्यू एक ही हो जाएगा.
म्यूएस म्यू के सबका वैल्यू सेम हो जाएगा, तो अगर अलग अलग नहीं गिवन है तो यही म्यूएस है यही म्यू के है, आया समझ में? लेकिन ये दोनों कैसे इक्वल हो सकता है किसी भी केस? हो सकता है ना, वो सरफेस पे डिपेंड करता है, फिर से वो सरफेस की प्रॉपर्टी है, सरफेस अगर चाहे तो उसका म्यूएस और म्यूके का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, सरफेस अगर नहीं चाहा तो म्यूएस और म्यूके अलग अलग नहीं होगा। यस ठीक है। हाँ कोई कुछ बोल रहा था, अभी साहब कुछ बोल रहे थे क्या? सबको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले तो आप ये सोचो कि कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक लगेगा, काइनेटिक लगेगा, लिमिटिंग लगेगा। सिर्फ फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में अगर आपने ये सोच लिया ना कि कौन सा फ्रिक्शन लगेगा तो काम हो जाएगा। ईशानी, जयदीप, लोहितांश, मोमिता, पयसिनी, प्राजक्ता, प्रीति, प्रियंबदा, पुण्या, रविकुल, ऋतुपर्णा, साई, मीनाक्षी, सोनाली, सौरभ, सृजिता, शुभम, स्वागत, स्वागतिका, स्वेच्छा, श्वेता, पद्मा, तुषार। तुषार, तुषार आप आते हो क्या रेगुलरली मीटिंग में? तुषार यस सर। क्लास अटेंड करते हो तुषार हमेशा? हाँ सर। समझ में आता तुषार सब कुछ? हाँ सर। ओके ठीक है, देखते हैं। सर हो गया सर, एक मिनट सर। हाँ बोलो क्या आंसर है? एक सर, मिनट, दस एक मिनट होगा। दस मिनट होगा शायद, सेकंड मिनट, दस सेकंड। हाँ बिल्कुल हो सकता है शायद। कैसे फाइंड किया बताओ, कैसे 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 मिला सर? म्यू इनटू एन इक्वल टू, मतलब हम लोगों को तो म्यू इक्वल टू ए बाय जी आ जाएगा ना सर, म्यू इनटू एन इक्वल टू एफ वाले से। सर हाँ। मेरा वन सेकंड आ रहा है। वन सेकंड आ रहा है, ओके। चलो मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है? नाम कॉल आउट करते ही ना लोग सर, मैंने तो रिलेशनशिप किया सर म्यू और एफ का। देखते हैं, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन है पहले म्यू तो आप बताओ कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन तो लगेगा डेफिनेटली, अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है तो फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक है, लिमिटिंग है, काइनेटिक है? काइनेटिक है, वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करके आगे जा रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, ये ठहरा हुआ है और इसके ऊपर ये स्लाइड करके आगे जा रहा है, इसका मतलब क्या है? जब भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा एफ काइनेटिक। अच्छा अब एफ काइनेटिक का वैल्यू क्या होता है? एफ काइनेटिक का वैल्यू तो कांस्टेंट है सर, एफ काइनेटिक का वैल्यू कांस्टेंट है और वो होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। तो अगर आप यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो मैंने इसी फॉर्मूला से ऐसी किया ना, ठीक है, वेरी नाइस। तो अगर आप यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब आप देखोगे तो एफ काइनेटिक का वैल्यू क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। बाई डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बिना समझे कोई भी स्टेप 0.4 mg एफ काइनेटिक को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 0.4 और नॉर्मल की प्लेस में mg लिख सकते हैं। सर नहीं आया समझ में ये? यस सर। अभी देखो चलने की टेंडेंसी इधर है और नेट फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा। चलने की टेंडेंसी इधर है और फोर्स इधर है, तो रिटार्डेशन हुआ है। अच्छा अब अगर रिटार्डेशन, ये एफ काइनेटिक जो है यही तो नेट फोर्स है, इसके अलावा तो और कोई फोर्स है नहीं। तो ये जो एफ काइनेटिक है, एफ काइनेटिक ही तो नेट फोर्स है जो पार्टिकल पे लग रहा है। यस सर, फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम में। बस बस यहीं से आ जाएगा। तो वन सेकंड है, टेन कैसे होगा? नहीं नहीं, वन सेकंड नहीं आएगा। देखो तो एफ काइनेटिक का वैल्यू कितना हो गया, एफ काइनेटिक का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया था 0.4 mg है, और एफ नेट का वैल्यू, एफ नेट का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो नेट फोर्स को क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब mm कट, मास मस कट हो जाएगा, मास और मास गायब कर देते हैं, जी का वैल्यू कुछ नहीं, हम लोग का 4 आ गया, ओ 4 होगा, जी का वैल्यू 40 लिख दिया, ओके 10 होगा, 10 होगा, जी का वैल्यू कुछ नहीं मेंशन, मतलब वो कितना है, 10 है। तो जी एक्सेलरेशन का मतलब हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इस वाले सिनेरियो में रिटार्डेशन होना है, और रिटार्डेशन इनिशियल लॉस इन्होंने कितना बता दिया, 40 का, समय 0.4 को 40 लिख दिया, हो जा रहा है भाई, फाइनल इक्वल टू -80 लगा दीजिए। हाँ बिल्कुल। अब अगर ये इसको फाइनली रेस्ट में आ जाने तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, और किस रेट का रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन का रेट है -4 मीटर पर सेकंड। -4 क्यों लिखा, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव था तो ये डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव होना चाहिए था। अब v is equal to u plus at का फॉर्मूला लगाओगे तो टाइम का वैल्यू आपको 10 सेकंड्स का मिल जाएगा। आया क्या समझ में? मैंने ऐसे किया।
हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस। सबको समझ में आया क्या? यस सर। मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और वो पूछेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के मास को अगर दो गुना कर दिया जाए तो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सेम रहेगा या कोई चेंज नहीं होगा? सेम रहेगा या भगवान जाने क्या होगा सर? सर क्या बोले? अगर इस मास को दो गुना कर दिया जाए तो इस टाइम पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये मिसकंसेप्शन भी अपने को हटा देना है कि अगर 10 केजी का मास है और अगर 20 केजी का मास है तो सर 20 केजी वाला जो मास है वो जल्दी रुक जाएगा, 10 केजी वाला मास जो है वो बाद में रुकेगा। ये सब इस तरह के मिसकंसेप्शन हटा देंगे। फ्रिक्शन के कारण कभी भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो, ये हमेशा आप याद रख सकते हो कि अगर फ्रिक्शन इज द ओनली अनबैलेंस फोर्स, जैसे इस वाले सिनेरियो में फ्रिक्शन के अलावा और कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन इज ऑलवेज म्यू टाइम्स ऑफ जी। ये नोट है, भारी भरकम नोट, ठीक है, बहुत महंगा नोट है ये, लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा। हाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ये जो नोट है ये बहुत ही महंगा नोट है, ये हर लोकल मार्केट में तुमको नहीं मिलेगा, कहीं कहीं ये सब नोट मिलता है। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन इज ऑलवेज म्यू इनटू जी। आया क्या समझ में? हाँ सर। सबको ये समझ में आया? यस सर। यस सर। लेक्चर का टाइम कितना था? 9। यस सर। 45 है ना? दो क्लास है मेरे साथ। सेकंड पीरियड आप ही का है। 10:35 तक आपका क्लास है। दो पीरियड आपका है। 9:45। अच्छा ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक है, तो ब्रेक क्यों देना? मैं आपको ना पहले रिलीज कर दूंगा, जैसे 10:35 तक है लेक्चर, मैं आपको 10:30 में रिलीज कर दूंगा, ठीक है, चलेगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। ये सबको yes, समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? यस सर। देखो फ्रिक्शन के क्वेश्चन में थोड़ा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है। फ्रिक्शन मैंने बताया था बहुत ही शानदार चीज है, फ्रिक्शन अगर समझ में आ जाएगा तो फ्रिक्शन से अच्छा दोस्त आपको कोई लगेगा नहीं, लगेगा तुम्हारा सर मेरा बेस्ट फ्रेंड इज फ्रिक्शन। तुम लिखोगे, वो बचपन में ऐसे लिखते थे ना माई बेस्ट फ्रेंड, तो तुम अब ऐसे में अपना टाइटल चेंज करते हो माई बेस्ट फ्रेंड फ्रिक्शन, अगर समझ में आया तो। नहीं आया ना तो फ्रिक्शन से बड़ा दुश्मन तो कोई लगेगा नहीं, इतनी गालियां दोगे ना फ्रिक्शन को, ये सब तो फ्रिक्शन द नेसेसरी इविल फ्रिक्शन हो जाएगा, द नेसेसरी इविल। हां वैसे ही बिल्कुल। ये समझ में आया क्या सर? ओके बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, इसी वैरायटी में एक और क्वेश्चन। अब जब मार्केट जाते हो सर, इसी इसी कलर में कोई और, कोई नहीं, इसी पैटर्न में कोई और कलर दिखाइए, और कलर दिखाते हैं आपको इसी पैटर्न। कन्वेयर बेल्ट जानते क्या? कन्वेयर बेल्ट, आटे की चक्की देखी है? आटे की चक्की देखी होगी। आटे की चक्की में ना ऐसे दो व्हील्स लगे होते हैं, ऐसा एक ऐसा बड़ा, जी सर, एक फिक्स्ड होता है एक घूमता रहता है। दो फिक्स्ड होता है, दोनों घूमते रहते हैं, मतलब फिक्स तो दोनों होते हैं, फिक्स्ड होता है ना ऊपर वाला घूमता है और नीचे वाला रहता है उधर। नहीं व्हील्स तो देखो, व्हील्स तो फिक्स होते हैं ऐसे, व्हील्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, इनके ऊपर एक पट्टा होता है वो घूमता रहता है ना ऐसे। यस सर वो घूमता रहता है। यस सर वो घूमता रहता है। हाँ तो ऐसा समझ लो कि इनके ऊपर क्या है ना एक इस तरह का जनरली वो कपड़े का होता है या जो भी होता है, ऐसे आपने एयरपोर्ट में भी देखा होगा, देखा है क्या सर? तो ये इसको क्या बोलते हैं? कन्वेयर बेल्ट। अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, और अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये जो इसका बेल्ट है ना, दिस बेल्ट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ सपोज 20 मीटर पर सेकेंड। ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, मतलब बेल्ट में एक मार्क है अगर, तो उस मार्क का जो वेलोसिटी था उधर 20 मीटर पर सेकेंड इधर, फिर जब ये इधर आया तो इसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन, ऐसा बोला गया। और ये बोला गया कि इसका म्यू का वैल्यू जो है वो है 0.4 का। ये जो बेल्ट है इसका म्यू का वैल्यू क्या है? बेल्ट का नहीं, इसमें एक ब्लॉक आपको प्लेस करना है जेंटली। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जेंटली हमने एक ब्लॉक लाके रख दिया, कोई एम मास का ब्लॉक लाके जेंटली प्लेस कर दिया। तो ऐसा बोला गया है, इफ अ ब्लॉक ऑफ मास एम, इफ अ ब्लॉक ऑफ मास एम is placed gently, बहुत ही धीरे से आराम से जाके रख देना है, is placed gently, then
फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम आफ्टर विच, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक विल कम टू रेस्ट, द ब्लॉक विल कम टू रेस्ट, ब्लॉक विल कम टू रेस्ट with respect to the belt, with respect to the belt, belt. सर वो जो 20 मीटर पर सेकंड अब देखा रहे रिवर्स डायरेक्शन में वो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है. नहीं नहीं ये 20 belt, belt क्या कर रहा है, belt ऐसे आगे जाके ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है ना, तो ये belt का speed है 20 मीटर पर सेकंड, इधर गया 20 मीटर पर सेकंड, इधर आया speed होगा. अब मेरे को नहीं पता, वो आपको सोचना है. ये क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, क्वेश्चन में बस क्या मैंने बताया, कन्वेयर बेल्ट है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऐसे ऐसे जा रहा है. वो अगर तुमने देखा हो ना, वो जो टैंक होती है, जो फाइट में जो टैंक यूज होता है, उसमें भी ऐसे ही व्हील्स होते हैं, और ये जो बेल्ट होता है वो स्लाइड करता है, व्हील्स ऐसे से रोटेट करते हैं, और वो जो बेल्ट ऐसे से जाता है तो वो टैंक आगे भागता है. देखा है क्या मूवीज अगर हम देखा होगा, नहीं देखा है, कोई बात नहीं. तो अब यहाँ पे आप ऐसा समझ लो कि ये जो बेल्ट था, दिस बेल्ट वॉज मूविंग फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. अब अगर ये बोला गया है कि इसमें वी आर प्लेसिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m जेंटली, देन आफ्टर व्हाट टाइम दिस ब्लॉक विल कम टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट. पहले तो आप क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया. सर डायरेक्ट फॉर्मेट हम लगा देंगे तो 5 आएगा क्या, 5 आएगा क्या, इक्वल टू 5 सेकंड, पता नहीं. आप मेरे को बताओ कि फ्रिक्शन इसमें क्या करेगा, ब्लॉक को एक्सेलरेट करेगा या ब्लॉक को रिटार्ड करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पर ब्लॉक को फ्रिक्शन क्या करेगा, ब्लॉक को सर मेरे को तो लग रहा है रिटार्ड करेगा, ब्लॉक को रिटार्ड करेगा. ओके देखते हैं, एनालाइज करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर कोई पहली बार मेरा भी 5 सेकंड आ रहा है, 5 सेकंड आ रहा है, बेसिक तरीके से करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे तो सर 5 आएगा सर, एकदम पिछले क्वेश्चन. ठीक है चलो देखते हैं, 5 आ रहा है देखते हैं. सबसे पहले तो इसका खुद का वेट दिखा दो mg, और ऊपर दिखा दो नॉर्मल नॉर्मल. अच्छा आप मेरे को ये बताओ, जब आपने उसको जेंटली ऐसे प्लेस किया तो व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक. अगर मैं ब्लॉक के बारे में बात करूं, इफ द ब्लॉक इज प्लेस्ड जेंटली तो व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक होगा 0 मीटर पर सेकंड. आपने ऐसे जाके रख दिया, अगर आपने ऐसे जाके रख दिया तो इसका इनिशियल स्पीड जो है वो कितना है, 0 है. आया क्या समझ में ये. यस सर. तो अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि सर फ्रिक्शन रिटार्ड करेगा, तो 0 से और कितना रिटार्ड होगा, माइनस में जाएगा, माइनस में चले, मतलब माइनस में मतलब उधर भाग जाएगा ब्लॉक. देखते हैं, पता नहीं सर क्या चल रहा है, पता नहीं सर. अभी देखो सर क्या टाइम 0 सेकंड होगा क्या. नहीं नहीं टाइम 0, टाइम 5 सेकंड. तुम लोगों का सही आंसर आया है, बस तुमने एक चीज मिस किया है जो मैं मेरे को समझाना है. अभी देखो, अभी अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन डज नॉट अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन. अब क्या होगा, ये जो ब्लॉक के नीचे का जो सरफेस है, वो गाना है ना, मैं ठहरा रहा और जमीन चलने लगी, तो ये ब्लॉक को यही फील हो, ये ठहरा है और जमीन इसके आगे भाग जाएगी, क्योंकि आपने स्पीड किसको दिया था, आपने बेल्ट को स्पीड दिया था. तो ये जो बेल्ट यहां पर है, दिस बेल्ट हैज अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. At जिस इंस्टेंट पे आपने इसको रखा होगा, t equals to 0 मान लो, इस इंस्टेंट पर ब्लॉक का फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड कितना है, 0, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कितना है, 20 मीटर पर सेकंड का. इसमें अगर किसी को डाउट है तो बोलो. नहीं अभी देखो सर, वो u 0 होगा ना, v 0 होगा, u ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है. क्वेश्चन में क्या पूछा गया, after कहाँ चला गया, find the time after which the after what नहीं, find the time after which the block will come to rest with respect to belt. belt के respect में block को rest में आना है, तो वो कब possible होगा. belt का speed तो constant है, अगर block का speed भी आगे की तरफ 20 हो जाए, ये भी 20 से ये भी 20 से, तब दोनों एक दूसरे के respect में rest में आ जाएंगे क्या. Yes, नहीं आया सर समझ में ये. नहीं आया. जैसे अगर आपने जब ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया तो व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक, ब्लॉक का इनिशियल स्पीड तो 0 मीटर पर सेकंड है ना, आपने ऐसे जेंटली लाके प्लेस कर दिया, और आपसे ये पूछा गया है कि व्हेन दिस ब्लॉक
विल कम टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट. बेल्ट के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को रेस्ट में होना है. ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का एक जैसा स्पीड होगा ना. अगर ये भी 10 से चल रहा है और ये भी 10 से चल रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, हाँ या ना. तो अगर आप ये चाहते हो कि विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट, बेल्ट के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में आ जाए, तो फाइनल वेलोसिटी जो ब्लॉक का होना चाहिए वो 20 मीटर पर सेकंड का होना चाहिए क्या, क्योंकि बेल्ट का स्पीड कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकंड. कैंसिल इट, हां सब रिलेटिव पोर्शन जीरो हो जाएगा. बिल्कुल, बेल्ट का स्पीड 20 मीटर पर बेल्ट का, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है. देखते हैं, जीरो हो जाएगा. अब सब समझ में आया, अब समझ में आया ना. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बेल्ट 20 मीटर पर सेकंड है और जिस इंस्टेंट पर ब्लॉक का स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड का हो जाएगा, उस इंस्टेंट पर क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाएंगे. अब ध्यान से देखना है सर, ये जो u जीरो क्यों होगा इस पर? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, आपने जेंटली लाके प्लेस किया है ना, बेल्ट चल रही थी, yes. आपने ऐसे लाके प्लेस कर दिया, तो आपने कोई इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं दिया, आपने बस उसको जेंटली लाके प्लेस कर दिया वहां पे, हाँ या ना. यस yes. ओके okay. तो यहां पर देखो u का वैल्यू कितना है, जीरो. इनिशियल वेलोसिटी जो था वो है जीरो. बेल्ट का इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी हमेशा 20 मीटर पर सेकंड है, वो मोटर के कारण घूम रहा है तो उसका स्पीड कांस्टेंट है. ब्लॉक का जो फाइनल स्पीड आपको चाहिए वो 20 मीटर पर सेकंड का होना चाहिए. क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आफ्टर व्हाट टाइम दिस ब्लॉक विल कम टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट. यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है ना. ओके okay. तो अभी ध्यान से देखो, अब क्या है ये ब्लॉक, स्टार्टिंग में क्या सिनेरियो, ये ब्लॉक रुका हुआ है और ये बेल्ट आगे जाना चाह रहा है. तो अगर ये बेल्ट आगे जाना चाह रहा है तो बेल्ट पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? बेल्ट पे. बेल्ट आगे जाना चाह रहा है, बेल्ट पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बैकवर्ड बैकवर्ड लगेगा. बेल्ट क्या चाह रहा है? बेल्ट अगर आगे निकलना चाह रहा है तो बेल्ट पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा. अब तुम खुद से सोचो, अगर ब्लॉक के कारण बेल्ट पे फ्रिक्शन पीछे लगा है तो बेल्ट के कारण ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन होगा वो आगे लगेगा क्या? इक्वल ऑपोजिट फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर. नहीं आया सर समझ में ये समझ में आया कि नहीं? सर देखो एकदम आराम से, फिर से समझाते हैं. हमने क्या बोला, एक्शन रिएक्शन पेयर हम जानते हैं सर. ये जो बेल्ट है, बेल्ट और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट है. अगर कांटेक्ट है तो क्या होगा, इस पे अगर फोर्स है तो इस पे भी फोर्स लगना चाहिए ना. अगर इस ऑब्जेक्ट ने इस पे फोर्स लगाया है तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो इस पे भी फोर्स अप्लाई करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड. अब अगर आप ध्यान से देखो, पहले हम बेल्ट के बारे में बात करें. ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट की टेंडेंसी क्या है, ये बेल्ट का जो सरफेस है वो आगे जाना चाहता है. तो ब्लॉक, अब अगर ये बेल्ट ऐसे आगे जाना चाहता है, फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि कॉन्टैक्ट बना रहे. फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. रिलेटिव मोशन मतलब ये ब्लॉक ऐसे रुका हुआ है और बेल्ट इसके आगे से ऐसे निकल रहा है, तो ये ब्लॉक को नहीं पसंद है. ब्लॉक को नहीं पसंद है कि वो बेल्ट जो है उसका साथ छोड़ के आगे जा रहा है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, बेल्ट को रोकने की कोशिश करेगा. अब अगर बेल्ट को रोकने की कोशिश करनी है तो फोर्स, ये जो ब्लॉक है ये फोर्स किधर अप्लाई करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा क्या? तो अगर ये ब्लॉक ये चाहता है कि ये कांटेक्ट जो है, फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि दो सरफेस साथ में रहे, अगर कांटेक्ट छूटने लगेगा तो फ्रिक्शन एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो अगर ये आगे निकल रहा था तो ब्लॉक क्या करे, अगर ब्लॉक ने इस पे फोर्स मान लो आगे डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया होता तो आगे तो पहले ही निकल रहा था, ये ब्लॉक और चाहता है कि तू और निकल जा, तो ये और जल्दी ज्यादा ही रेट से बाहर निकल जाएगा. अभी ब्लॉक ऐसा नहीं चाहता कि हम दोनों की जो जोड़ी है वो टूटे, तो ब्लॉक क्या कर रहा है, इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है. कैसा फोर्स? एक ऐसा फोर्स जो उसके आगे जाने के मोशन को रोके. तो मैंने बोल दिया कि इस बेल्ट पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन पे. फिर और देखो, अगर बेल्ट पर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पर लगा है तो ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगता वो आगे के साइड में लगता. क्यों? क्योंकि अगर ब्लॉक के कारण बेल्ट पर फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन पर है तो बेल्ट के कारण ब्लॉक पर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. Action, reaction, pair. अच्छा,
और जितना मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड उतना उधर ही होगा सर, उतना आप सिर्फ ब्लॉक को ये फ्रिक्शन क्यों लगाएगा, फ्रिक्शन तो हमेशा पैरेलल टू द सरफेस होता है ना, सरफेस के पैरेलल, एक फ्रिक्शन बेल्ट पे लगा एक फ्रिक्शन बॉक्स पे लगा तो दोनों सरफेस के पैरेलल ही है ना, यस ओके, लेकिन वो मास पे क्यों लगेगा, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। मास पे देखो फ्रिक्शन क्या चाहता है, दोनों को साथ में रखना चाहता है, अगर ये आगे निकल रहा है तो अगर दोनों को साथ में रखना है इसका मतलब ये ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा, इसके स्पीड को मैच करना पड़ेगा ना, अगर ये ब्लॉक इसके स्पीड को मैच कर लेगा तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों साथ साथ चलना स्टार्ट कर देंगे, जैसे ये भी 20 से चल रहा है ये भी 20 से चल रहा है तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, फ्रिक्शन को जरूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन क्या बोलेगा मेरी मेरा कोई काम ही नहीं है। फ्रिक्शन कब लगता है, जब दो सरफेस या तो स्लाइड करने की टेंडेंसी रखते हैं या स्लाइड कर रहे होते हैं, तो फ्रिक्शन क्या होता है, ऐसा फोर्स जनरेट करता है फ्रिक्शन जो उनके कॉन्टैक्ट को मेंटेन करने की कोशिश करे। तो अगर आप सोचो ये एम के जी वाला मास अगर स्टार्टिंग में इसके पास वेलोसिटी जीरो है और आप चाहते हो कि ये 20 मीटर पर सेकंड से आगे भागना स्टार्ट करे तो कौन आगे भगाएगा इसको, इसको इसको कोई एक्सेलरेट करने वाला फोर्स होना चाहिए ना, तभी तो इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगा आगे जाके। अब बाहर से कोई फोर्स तो लगा नहीं रहे, हमने तो ड्रॉप करके छोड़ के चले गए, तो अब इसको आगे कौन ड्रैग कराएगा, इसको आगे ड्रैग कराएगा यहां पर फ्रिक्शन जो होगा। आया क्या समझ में? यस सर। सर अर्पित समझ में आया? सर ये फ्रिक्शन आगे के डायरेक्शन में, ये वाला पॉइंट, फ्रिक्शन आगे के डायरेक्शन में, देखो पहले तो आप ये समझो फ्रिक्शन क्या चाहता है। फ्रिक्शन चाहता है कि दो कॉन्टैक्ट बने रहे, फ्रिक्शन हमेशा ये चाहता है कि जो दो सरफेस का कॉन्टैक्ट है वो हमेशा मेंटेन रहे, वो कभी टूटे नहीं। अब मान लो अगर ये ऊपर वाला सरफेस ऐसे आगे जा रहा है, मान लो अगर ये ऊपर वाला सरफेस ऐसे आगे जा रहा है तो जो नीचे वाला सरफेस है, अगर ऊपर वाला सरफेस आगे जा रहा है मतलब कॉन्टैक्ट छूट जाएगा ना, तो नीचे वाला सरफेस में क्या होना चाहिए, नीचे वाले सरफेस में एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आना चाहिए। क्यों? जब तक इसको फोर्स नहीं मिलेगा, इसको अगर एक अनबैलेंस फोर्स नहीं मिलेगा तब तक अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो अगर ये आगे गया, अगर ऊपर वाला सरफेस आगे गया तो नीचे वाले सरफेस को अगर आगे जाने हैं तो इसमें भी एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए ना जो उसको आगे लेके जाएगा। तो ये अगर आगे गया तो अब इसको आगे कौन लेके आएगा, कोई तो था नहीं, एक्सटर्नल एजेंट तो है नहीं, आपने तो ब्लॉक को रख के आप चले गए, तो जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, फ्रिक्शन। अगर ये आगे गया है तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि इसको भी आगे लेके आना चाहिए, फ्रिक्शन ये चाहेगा कि इसको भी आगे लेके आए। तो यहाँ पर देखो इस वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगा वो आगे के डायरेक्शन में लगा। या आप ऐसा सोचो ना, आप इसके रिवर्स में सोचो, रिवर्स में क्या सोचोगे आप, ये जो बेस है यहाँ पर बेल्ट वाला जो बेस है, बेल्ट वाला बेस अगर आगे जा रहा है तो कॉन्टैक्ट छूट रहा है, अगर ये बेल्ट वाला बेस आगे जा रहा है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट छूट रहा है। अब जैसे ही कॉन्टैक्ट छूटने लगेगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, और फ्रिक्शन फोर्स का टेंडेंसी क्या होता है, फ्रिक्शन हमेशा ये चाहता है कि दो सरफेस का जो कॉन्टैक्ट है वो बना रहे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट आगे निकला तो ये जो ब्लॉक इसको रोकने की कोशिश करेगा उसके लिए क्या करेगा, ब्लॉक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन अप्लाई करेगा। यस सर। अच्छा, तो अगर ब्लॉक ने बेल्ट पर फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन पे लगाया है तो ये जो बेल्ट है ये ब्लॉक पर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा एक्शन रिएक्शन पे। यस। अब ये जो रिएक्शन मिला ना इसको, इसी रिएक्शन के कारण ये पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, और इसको एक्सेलरेट करा के आप इसका फाइनल वेलोसिटी कितना लाना चाहते हो, 20 मीटर पर सेकंड का लाना चाहते हो। यस। ओके, तो अगर आप ब्लॉक का डायग्राम देखोगे तो ब्लॉक पे जो अनबैलेंस फोर्स है वो तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है ना, क्योंकि नॉर्मल और एमजी ने तो बैलेंस कर लिया। तो अब ये जो फ्रिक्शन है वो इस केस में एम मास को क्या कर रहा है, ये फ्रिक्शन इस एम मास को एक्सेलरेट करेगा, रिटार्ड नहीं कर रहा है इस बार इस एम मास को फ्रिक्शन क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन। अगर फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा होता तो कभी भी इसको एक्सेलरेट नहीं करता। अब अगर आप इसमें देखोगे तो कितना फ्रिक्शन, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है ना, ये आगे जा रहा है ये पीछे रह जा रहा है, अगर स्लाइडिंग हो रही है मतलब कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या, अगर ये इस पे स्लाइड करके आगे जा रहा है मतलब इन दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन है ना। तो काइनेटिक अगर आप लिखोगे नेट फोर्स यहाँ पर एफ काइनेटिक है, और एफ काइनेटिक का वैल्यू हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। अगर एफ काइनेटिक म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल है और नेट फोर्स को आप मास इनटू एक्सेलरेशन से लिखते हो
और ये म्यू टाइम्स ऑफ एम जी हो जाएगा, अगर एम से एम गायब करेंगे तो एक्सेलरेशन वापस से म्यू इंटू जी हो जाएगा क्या? तो इस केस में ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ म्यू इंटू जी. अब एक्सेलरेट करेगा म्यू इंटू जी से तो 0.4 इंटू जी, तो इसका रेट ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल 20 लाना है एट अ रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड का टाइम लगेगा. ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है करेक्ट आंसर के साथ. MCQ इसलिए अच्छा होता है सिर्फ आंसर मांगता है. हाँ, MCQ इसलिए अच्छा होता है सर कि थियोरी अगर थोड़ा बहुत भी गलत हुआ तो आंसर तो सही आ गया. किसको नहीं समझ में आया? अभी भी डाउट होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार में ही समझ में आ जाए. फ्रिक्शन है लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर जाएगा जब पूरी तरफ से वहां पे चला जाएगा. ऑब्जेक्ट जमीन में क्यों गिरेगा? जमीन में कैसे गिरेगा? ना 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 सर, जब वो मींस कन्वेयर बेल्ट जो है वो वहां पे, अच्छा यहां कहीं पर पहुंचे. अरे बहुत बड़ा कन्वेयर बेल्ट है भाई, वो तो स्पेस की कमी थी. अगर 3-4 लैपटॉप मेरे पास साथ में लगे होते तो मैं यहां से जो बनाना स्टार्ट करता ना, बनाता 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 1-2 किलोमीटर तक ले जाता तब जाके बनाता. तो बहुत बड़ा है भाई. लेकिन वो अगर व्हील के पास पहुंच कर गिर नहीं जाएगा? हां बिल्कुल बिल्कुल, अगर व्हील के पास पहुंच जाएगा तो गिर जाएगा, अनडाउटेडली गिर जाएगा. व्हील के पास पहुंचेगा तो अनडाउटेडली गिर जाएगा, लेकिन मैंने ये मान लिया द लेंथ ऑफ दिस कन्वेयर बेल्ट इज वेरी लार्ज. अब ऐसा थोड़ी क्वेश्चन देंगे कि भाई वो गिर गया. गिराएंगे नहीं, मतलब फिजिक्स में वायलेंस नहीं पसंद लोगों को. गिरना और ना एकदम ही नो गिरना. गिरने से बचा फिजिक्स का शुरुआत तो एप्पल गिरने से हुआ था. हाँ तब भी देखो उसके सर पे गिरा, लेकिन हमने चोट के बारे में बात नहीं किया कि भाई उसके सर पे गिरा होगा तो उसको चोट भी लगा होगा. हमने बात किया कि उसके पीछे का साइंस क्या है, तो हम लोग वायलेंस की बात तो करते ही नहीं फिजिक्स में. आया गया समझ में? यस सर. वायलेंस की बात केमिस्ट्री वाले करेंगे, बम बनाने से आएंगे तुमको, बोलेंगे ये केमिकल में वो केमिकल मिला दो बम बन गया, उड़ा दो जिसको उड़ाना है, ये मारो फिजिक्स वाले टीचर को, उड़ गया फिजिक्स वाले टीचर. सर E इक्वल टू MC स्क्वायर फिजिक्स का है ना? हाँ, उससे तो न्यूक्लियर बॉम्ब का स्टार्ट हुआ था. अरे तो हम जैसे क्या है ना, वो जो तुम देखा होगा हैरी पॉटर, उसमें क्या है, तुम वो जो जादुई शक्ति सीख रहे हो उसको तुमको सिर्फ हॉगवर्ड्स में यूज करना है, बाहर तुम नहीं यूज कर सकते. तो ये जो साइंस में सिखा रहे हो वो तुमको बस क्लास और ये सब में यूज करना है. अभी बाहर में अगर तुम यूज करना स्टार्ट कर दोगे, बम बम बनाना स्टार्ट कर दोगे, बोलोगे सर सर ने सिखाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि न्यूक्लियर रिएक्टर को कैसे हैंडल करना है, अब तुम चले गए वहां पे न्यूक्लियर बम बनाना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ भाई. कुछ लोग होते हैं यार वो ऐसे खतरनाक स्टूडेंट होते हैं ना, पढ़ते पढ़ते ही क्या करते हैं, बम बनाना स्टार्ट करते हैं. जैसे वो क्या नाम था उसका, वोल्डेमॉर्ट क्या करता था, पढ़ते पढ़ते ही उसने क्या कर लिया, इतना खतरनाक हो गया कि अपने लाइफ को कैसे बचाना है, अमर कैसे होना है, वो सब सीख लिया उसने. मतलब उसने डिवाइड करके रखा था. तो वैसा सर एक लड़की ने बनाया भी था न्यूक्लियर बॉम्ब साइंस प्रोजेक्ट में, उसको मिला भी था प्राइज कुछ इंटरनेशनल साइंस फेयर में. बढ़िया है, लेकिन हाँ बना सकते हो भाई. देखो एनीथिंग विद अ गुड कॉज इज नॉट व्हाट दैट डेंजरस. जैसे वो बोलते हैं कि वो क्राइम है सर. क्राइम है वो नहीं, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी बनाना वो क्राइम नहीं होगा. जैसे डीआरडीओ तो खुद करते रहती है इतनी सारी रिसर्च, डीआरडीओ कभी ये मिसाइल कर रही है कभी वो मिसाइल कर रही है. स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बना रहे और फट गया तो फिर वो क्राइम ही हुआ ना. तब फटा तो सर कोई नहीं बचेगा. अरे इतना खतरनाक तुम थोड़ी बना दोगे, और तुमको यूरेनियम कहाँ से मिलेगा? तुम बस मॉडल बना सकते हो. चोर बाजार से ले आएंगे. ओह यूरेनियम हर जगह इंडिया में बल्कि उतना नहीं मिलता है. और वही तो, इंडिया में जो यूरेनियम मिलता है वो काम का भी नहीं होता, उसका कोई दूसरा आइसोटोप है जो बाहर से मंगाते हैं वो काम का होता है. यस सर. यस सर वही. तो तुम बस एक यूक्रेन से सर. यूक्रेन से मंगाते शायद. हाँ तो तुम बस उसका एक मॉडल बना सकते हो, तुम वर्किंग मॉडल नहीं बना सकते कि खुद का. सर हमने तो सर अपना खुद का एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया है और उसी में से सर वर्किंग होगा भी तो टेस्ट कैसे करेंगे, फोड़ेंगे थोड़ी. वही तो नहीं, बहुत सारे मॉडरेटर्स होते हैं उसके इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए. जैसे तुमने देखा होगा कौन सी मूवी थी, मंगल मिशन, मंगल यान, क्या नाम था मूवी का, उसमें वो मिशन मंगल उसमें वो एकदम सी के पास में वो मिसाइल को छोड़ते हैं. देखा था क्या? ऐसे थोड़ी की यहाँ पे बारिश हो रहा था ना. बारिश नहीं, शुरू में
जैसे वो मूवी देखी है क्या, पोखरण वाली एक मूवी थी ना, हाँ सर, क्या नाम था उसका, पोखरण, पोखरण ही नाम थी शायद, हाँ। तो उसमें देखो वो एकदम कहाँ पे जाके उसका रिसर्च करते हैं, जहाँ पे कोई रहता नहीं है, मतलब 20-30 आइसोलेटेड एरिया, आइसोलेटेड एरिया में एकदम करते हैं वो, ताकि अगर कुछ बुरा हुआ भी तो जो परफॉर्म कर रहे हैं वही लोग जाए, आम इंसान को कुछ ना फर्क पड़े। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? यस सर। सर मेरा अभी भी एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर ये फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा क्या जब ये कम टू रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट हो जाएगा? क्यों क्यों, बेल्ट रेस्ट में थोड़ी है। अगर आप ये बोल रहे हो कि ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी जीरो है और बेल्ट का वेलोसिटी 20 है, तो बेल्ट के रेस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में कैसे आया? बेल्ट के रेस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में तभी आएगा जब दोनों का स्पीड एक जैसा हो जाएगा ना। बेल्ट भी इसी स्पीड से चल रहा है, ब्लॉक भी इसी स्पीड से चल रहा है। बेल्ट ने इसको देखा बोला अरे ये तो रुका हुआ है, ब्लॉक ने इसको देखा अरे ये तो रुका हुआ है। लेकिन अगर बेल्ट 20 से भाग रहा है और ब्लॉक रुका हुआ है, तो बेल्ट क्या बोला ये तो रुक गया था, मैं तो भाग गया आगे, ऐसा होगा ना? यस। ओके, तो ये एग्जांपल सबको समझ में आया? सर। यस सर। ओके अच्छा, अब और क्वेश्चन कैसे आएंगे सर? और क्वेश्चन आएंगे, एक टू ब्लॉक सिस्टम होता है, वो आज नहीं लेंगे, वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि एक फ्लोर बनाते हैं, डांस फ्लोर बनाते हैं, एक डांस फ्लोर, और डांस फ्लोर में रख देते हैं ब्लॉक, यहाँ पे लगा दिया एक पुली, ठीक है, और यहाँ पे एक थ्रेड से आप क्या करो, ब्लॉक अटैच कर दो, सपोज 4 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पर एक और ब्लॉक अटैच कर दो 4 kg। अब ये बोला गया है कि म्यू का जो वैल्यू है वो है सपोज 0.8 का, म्यू का वैल्यू कितना है 0.8 का, ये बोला गया है। और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा ये पूछा गया है। कोशिश करेंगे क्या? यस सर। दोनों का सेम है 4 kg। हाँ दोनों का मास 4 kg है। पहले तो आप ये सोचो कि सिस्टम चलेगा या नहीं, अगर चलेगा तो कितना एक्सेलरेशन होगा ये कैलकुलेट करना है। सिस्टम तो चलेगा नहीं सर। चलेगा नहीं, चलेगा नहीं मतलब एक्सेलरेशन जीरो बोल रहे हो क्या? हाँ सर। ओके देखते हैं, एक आंसर मेरे पास आया द एक्सेलरेशन विल बी जीरो, अब बाकी लोग का भी आंसर आना चाहिए, ऐसे बैठे नहीं रहेंगे क्लास में। सर एक्सेलरेशन विल बी 8 m/s² 8 m/s² एक और आंसर आया 8 m/s² का एक्सेलरेशन। अभी देखो अभी 41 पार्टिसिपेंट। हाँ सर 1 m/s² 1 m/s² एक्सेलरेशन आया, ठीक है देखते हैं सर। सर एक्सेलरेशन 1 m 1 m/s² आया, ठीक है देखते हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा तो भागने से 8 m/s² 8 या 1 क्या बोल रहे हैं? 8 m/s² ओके देखते हैं। अच्छा पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि कैसे पता चला कि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, आपको कैसे समझ में आया, मतलब कैसे पता चला कि ये वाला ब्लॉक स्लाइड करेगा? अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना, सबसे पहले स्टार्ट में क्या करना होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। यस सर। यहाँ पर इसका वेट बना दिया 40 का, यहाँ पर टेंशन और फ्रिक्शन, यहाँ पर टेंशन आ जाएगा, वहां पे भी टेंशन सेम रहेगा, टेंशन टी और यहाँ पर टेंशन टी। आपको अभी टेंशन टी का वैल्यू पता है क्या? नहीं। नहीं तो आपको कैसे पता चल गया कि ये 4 kg वाला ब्लॉक आगे स्लाइड कर सकता है?
आप ही बताते ना, अगर एक पुली के आगे एक ब्लॉक लटका रहेगा तो 100% वो ऑब्जेक्ट नहीं, तो उस समय फ्रिक्शन नहीं था, उस समय फ्रिक्शन नहीं था, इस बार फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन, जैसे मान लो, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मान लो मैं एक छोटा सा डाउट आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरा डाउट था, ठीक है, मेरा डाउट एक छोटा सा डाउट है, मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ जेंटलमैन और कुछ जेंटल लेडी है, वो बता देंगी मेरा डाउट। सपोज एक 10 केजी का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर ये बोला गया है कि म्यू का वैल्यू है 0.5, म्यू का वैल्यू है 0.5, अगर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, ऑब्जेक्ट विल स्लाइड और नॉट? पहले तो मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन आंसर बताओ, 10 केजी का ब्लॉक है फ्लोर पे रखा हुआ है, हाँ सर करेगा स्लाइड, म्यू का वैल्यू 0.5 करेगा स्लाइड, 15 न्यूटन से 20 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो विल दिस ऑब्जेक्ट स्लाइड और नॉट? यस सर इट विल। सब कोई बोल रहे हैं स्लाइड करेगा सर? नहीं सर, नो नहीं करेगा। बोला नहीं करेगा, आरोप ने बोला और किसी ने, और भी किसी ने बोला था सर? आयुषी, आयुषी हाँ, और कोई बोल रहा है क्या ब्लॉक स्लाइड करेगा रुकेगा? ये सर हम कुछ नहीं बोलते सर, हमको कोई मतलब ही नहीं रहता सर क्लासरूम से, आप जो बोलोगे सर हम मान लेंगे बस। ब्लॉक है तो रुका रहेगा, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, स्वागत ने बोला रुका नहीं करेगा, स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। यस सर बिल्कुल, मैंने आपको बताया था, आपको ये चेक करना पड़ेगा जब तक अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगा ब्लॉक नहीं स्लाइड करेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉर्मल यहाँ पर 100 न्यूटन का है क्या इस वाले केस में? यस सर, अगर नॉर्मल 100 है तो एफएस मैक्स का, हाँ एफएस मैक्स का वाले कितना हो जाएगा, 100 into 0.5 करोगे तो 50 हो गया। इसका मतलब जब तक आपका अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगा दिस 10 केजी ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। तो ये 10 केजी वाला ब्लॉक स्लाइड करेगा क्या अभी? नहीं सर, उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स 40 होगा ना? अच्छा मैं इधर आता हूँ अभी, अभी पहले मैं इधर देख लेता हूँ, आप मेरे को इधर बताओ ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा ये सबको समझ में आया क्या इस वाले क्वेश्चन में? यस सर। अच्छा यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है? 20 न्यूटन। वेरी नाइस, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो 20 न्यूटन है, जितना जरूरत है उतना ही फोर्स खर्च करना है। फ्रिक्शन बहुत ही समझदार फोर्स है, हमसे ज्यादा फिजिक्स फ्रिक्शन को आता है। फ्रिक्शन ये नहीं बोल, अच्छा तुम तो ये सोचा रहे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 50 है तो यहाँ पे 50 लगा दो, अगर यहाँ पर 50 फ्रिक्शन कोई सोचता है ना तो 20 इधर 50 इधर, तो अनबैलेंस फोर्स इधर होगा, मतलब तुम फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हो और ब्लॉक पीछे आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ही समझदार है, उसको पता है कि कब किस टाइम पर कितना फोर्स खर्च करना है। तो अगर आपने यहाँ पर 20 न्यूटन अप्लाई किया होता तो फ्रिक्शन कितना होता? 20 न्यूटन का होता, हाँ या ना? आपको समझ में आ रहा है? अच्छा मान लो मैंने 35 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट चलेगा? हाँ नहीं सर, ये वाले क्वेश्चन में अभी मैं नहीं हूँ यार, आप मेरे को इसका आंसर बताओ, 35 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। फ्रिक्शन कितना होगा? 50। वेरी नाइस, यही मेरे को समझाना है, मेन आपको यही समझना है, अगर ब्लॉक नहीं चलता है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फ्रिक्शन के बराबर है, अगर ब्लॉक चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लिखोगे? अगर म्यू के म्यू एस अलग अलग नहीं गिवन है तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वही काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो अगर आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया होता 55 न्यूटन का, अगर आपने 55 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया होता तो ये ब्लॉक जो था ये ब्लॉक स्लाइड करता, कितने से स्लाइड करता वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या 55 न्यूटन के केस में? और इसका जो मास है, द मास ऑफ दिस ब्लॉक वॉज 10 केजी, द ब्लॉक द मास ऑफ दिस
the mass of this block. The mass of this block is 10 kg. Friction coefficient is 0.5. And we are applying a force of, कितना force? 55 newton का. अब अगर आप देखोगे तो Fs max का value कितना है यहाँ पर? Fs max का value यहाँ पर है 50 newton. अब अगर F applied, is greater than Fs max, मतलब 100% this block will slide. ये तो समझ में आ रहा है सबको? अब अगर ये 55 newton इस तरफ है, block slide करेगा. अगर मुझसे ये पूछा गया कि find the acceleration of this block, find the acceleration of 10 kg block, तो इस 10 kg block पे net force कितना लग रहा है, बोलो तो? 5 newton. 5 newton. 55 इस तरफ का और friction जो रोकता, friction कितने से रोकेगा? 50. 50. रोकेगा. तो F net यहाँ पर हो जाएगा 55 minus 50. अगर ये F net है तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन बनेगा वो कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 10. 5 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आंसर होता है. आया क्या सबको समझ में ये क्वेश्चन? यस सर. मान लो ऐसा क्वेश्चन गिवन है, तो मान लो क्वेश्चन ऐसा गिवन है, सेम ब्लॉक और ये वाला सिस्टम गिवन है, suppose the mass of this block is again 10 kg और इस बार इन्होंने बोल दिया कि mu s का value is 0.6 और mu k का value is 0.5. ठीक है, mu s का value is 0.6 और mu k का value is 0.5 और यहाँ पर हमने जो force apply किया है वो कितना है? The force that we have applied is of 40 newton. Find the acceleration of 10 kg block. Find the acceleration of 10 kg block. मान लो ये question पूछा गया, find the acceleration of zero. पता नहीं, देखते हैं. Zero sir. Zero. Zero sir. Zero. Zero. सबका answer zero आ रहा है? Zero. Yes sir. सबका answer zero है ना? Yes sir. Yes sir. Zero आएगा. मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 into 0.6 करेंगे तो 60 हो जाएगा ना, मतलब 40 न्यूटन के फोर्स पे तो ये नहीं चलेगा. सबको यहाँ पे समझ में आना? किसी कोई डाउट है क्या? नो सर. क्वेश्चन ये, 80 न्यूटन का फोर्स होगा तो क्या एक्सेलरेशन होगा, ये क्वेश्चन है. 40 न्यूटन तो बस मैंने ऐसे ही नॉलेज टेस्ट करने के लिए दिया था. एक्चुअल क्वेश्चन ये है, द अप्लाइड फोर्सेस ऑफ 80 न्यूटन, then what will be the magnitude of acceleration of this block? 3 meter per second. 2 meter per second square. 2 meter per second square. एक आंसर मेरे पास आया, एक आंसर 3 meter per second square का आया, और किसी का आंसर? Sir, 2 meter per second square. 2 meter per second square के दो आंसर आ गए. Sir, 2 meter per second. 2 meter per second square. 2 meter per second. चार आंसर, 5 आंसर, 6 आंसर. सब नहीं है प्रेजेंट, सब नहीं है प्रेजेंट. भाई आंसर बताओ. सृजिता, शुभम, स्वागतिका, श्वेता, पद्मा, यानी, आप लोग आंसर्स नहीं बोल रहे. प्रियंबदा, प्रीति, जैसी नाम कॉल आउट करता हूं ना लोग भागना स्टार्ट करते हैं. अब मेरे से पूछेगा, भाग जाओ यहां से. इतना खौफ मेरा, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि बच्चे में से इतना डरेंगे. थैंक यू. सो मेरा एक्चुअली में कुछ अलग आ रहा है. क्या आंसर आ रहा है सर? 60 न्यूटन. 60 न्यूटन? मेरे को न्यूटन 69 एक्सेलरेशन चाहिए अपने को. 69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नहीं, गलत है. देखो ये 80 न्यूटन का फोर्स है. आप पहले तो देखो कि आप Fs मैक्स कितना जनरेट कर सकते हो. Fs max जो आप जनरेट कर सकते हो 60 into 100 into 0.6 होगा क्या? हाँ सर. Fs max होता है mu s times of normal. तो जब आप values put करोगे तो 0.6 into normal, normal कितना हो जाएगा? 100. Solve करने पर ये जो value है वो 60 newton का आ जाएगा क्या? Yes sir. F net होगा 20 newton. Okay. अब applied force है 80 newton का और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो आप जनरेट कर सकते हो वो है 60 न्यूटन का. तो ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा?
चलेगा चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। इस बार अप्लाइड फोर्स 80 न्यूटन है और एफएस मैक्स जो हम जनरेट कर सकते हैं वो तो 60 न्यूटन का ही। अच्छा, अगर ब्लॉक चलना स्टार्ट करता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर जब आप काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो हो जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया 50 न्यूटन। अच्छा, आप मेरे को बताओ नेट फोर्स आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स आप 80 माइनस 60 लिखोगे या नेट फोर्स 80 माइनस 60 लिखेंगे? ये सही है या ये सही है? दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा ये, इससे तो आपको बस ये चेक करना है कि वो चलेगा या नहीं। अगर तुम्हें ये पता चल गया कि हाँ वो चलने वाला है तो अगर ये स्लाइड करेगा मतलब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, तो आप एफ ने हाँ बोलो सर, फ्रिक्शन तो अपना मैक्सिमम फोर्स अपना अप्लाई करने का ट्राई करेगा ना रोकने के लिए। हाँ, friction, तो मैक्सिमम तो 60 न्यूटन है। नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि तीन तरह का फ्रिक्शन है। तो कम जाएगा ना सर, एक बार अगर वो चलना स्टार्ट कर देगा, जैसे ही वो चलना स्टार्ट कर देगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है और इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है 50 न्यूटन का। तो एफ नेट अगर आप लिखोगे तो वो जाएगा 80 माइनस 50, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट कर दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में μs और μk का वैल्यू सेम रखते थे, तो μs μk सेम रख रहे थे इसलिए वहां पे जो भी वैल्यू था स्टैटिक का मैक्सिमम वही काइनेटिक का वैल्यू ले रहे थे। लेकिन अब क्या है, f काइनेटिक यहां पर 50 न्यूटन का है। अगर f काइनेटिक यहां पर 50 न्यूटन है तो आप क्या करोगे, अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू रखना है, तो इसलिए यहां पे आप 50 रखोगे। ये आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि 60 से ज्यादा का फोर्स होगा then only the object will slide. लेकिन अगर मुझे ये पता है कि हाँ सर 60 से ज्यादा का फोर्स है तो डेफिनेटली दिस ऑब्जेक्ट विल स्लाइड, एंड इफ दिस ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो एफ काइनेटिक है। आया क्या समझ में सर? ये म्यू कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है। हाँ, मतलब सरफेस पे डिपेंड करता है, तो सेम सरफेस के लिए μs और μk का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। सेम सर्फेसेस के लिए μs और μk का वैल्यू, मैंने आपको बताया था शायद कि μs का वैल्यू जो होता है वो या तो बड़ा होता है या इक्वल होता है μk के, मतलब 90-95% टाइम क्या होता है μs का वैल्यू इज ग्रेटर देन μk। कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं जहां पर μs और μk का वैल्यू सेम हो जाता है। आया समझ में? हाँ सर। ओके, तो अगर इफ दिस इज द नेट फोर्स, अगर ये नेट फोर्स है तो नेट फोर्स को आप क्या लिखते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर आप इसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे, नेट फोर्स यहाँ पर 30 का हो गया, मास अगर 10 है तो एक्सेलरेशन जो इस पार्टिकल को मिलेगा वो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जिन्होंने भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताया था आंसर, वो अपनी पीठ थपथपा लेंगे एक बार। आया समझ में? तीन चार लोगों ने, ये दो तीन लोगों ने बताया था शायद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको समझ में आया क्या? कोई भी स्टेप में डाउट, कैलकुलेशन में डाउट, कुछ भी डाउट लग रहा है? नहीं सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, अच्छा अब आते हैं पुराने क्वेश्चन में। कितना टाइम है, मैं बस आपको क्वेश्चन में एक डाउट बता दूंगा, आप मेरे को क्या करना, खुद से ये होमवर्क रहेगा आपका, सॉल्व करके बताना। अच्छा, मैंने एलन का एक्सरसाइज शेयर किया ना ग्रुप में सर, तो ग्रुप में मैंने एलन का जो एक्सरसाइज शेयर किया है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो। आपका जो पुराना वाला क्वेश्चन था ना सर, वो इजी था, मैंने 8 4 40 ले लिया, इसमें गलती हो गया मेरा। कौन पुराना, ये जो पहले देखा था वो वाला सर, पुराना वाला सर, पुराने वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में हम सर, ये वाला में सर, मैंने फ्रिक्शन फोर्स, मेरा डाउट क्या है ना, मेरा डाउट क्या है कि ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है इसको आगे कौन चला सकता है, टेंशन, और टेंशन का वैल्यू तो अभी पता नहीं। जब तक आप एक्सेलरेशन वगैरह नहीं फाइंड आउट करोगे तो आपको तो टेंशन वैल्यू पता नहीं, तो कैसे बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आगे स्लाइड करेगा? अगर टेंशन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तभी तो ये ब्लॉक स्लाइड कर पाएगा ना सर। मेरे डाउट समझ में आ रहा है क्या सबको सर? हाँ, अगर सर जो नीचे है ना सर, जिसका आपका एमजी होगा सर, उसका 40 है। हाँ, और जो कांटेक्ट में उसको 32 न्यूटन होगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों? हाँ, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स 32 है, चलो ठीक है मान लिया। फिर तो बोल सकते हैं सर नीचे जाएगा कैसे?
तो इसका तो ज्यादा है तो मूव तो करेगा ना नीचे। अच्छा ये ज्यादा है इसलिए मूव करेगा, चलो ये बोल सकते हैं, शानदार, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये ब्लॉक देखूं, अगर मैं सिर्फ ये ब्लॉक देखूं, तो मुझे अभी पता है क्या कि टेंशन का वैल्यू जो होगा वो इस वाले फोर्स से ज्यादा होने वाला है? अगर टेंशन का वैल्यू इस वाले फोर्स से ज्यादा नहीं होगा, फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा, तब तक तो हम बोल ही नहीं सकते ना ऑब्जेक्ट चलेगा। आ रहा है क्या समझ में? मेरे डाउट समझ में आ रहे हैं? सर मैं पहले यूएसएन का वैल्यू निकाल दिया था, उसके बाद फिर MA is equal to F करके सब्स्टिट्यूट किया, तो A मेरे को 8 आया, 32/4 किया। कोई नहीं, आप चलो आपने सॉल्व किया, जिसने भी सॉल्व किया शायद उसका आंसर सही लग रहा है, लेकिन एक बार इस मेरे डाउट के बारे में सोचना। एक होगा आंसर, जो भी है आपका आंसर जो भी आया सही आया, बस एक बार मेरे डाउट के बारे में सोचना जो मैंने डाउट बोला है, और फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको। अगर ये सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो रहने देते हैं फिर इतना ही, ठीक है? किसी को डाउट है तो वो कॉल वॉल करके भी पूछ सकता है, डाउट्स क्लैरिफाई कराते जाओ, बहुत जरूरी है, नहीं तो डाउट्स पे डाउट्स पाइल अप होते जाएंगे और लास्ट में फिजिक्स के नाम पे सिर्फ डाउट बचेगा और कुछ नहीं। पहले क्वेश्चन सेंड कर देंगे, उसके बाद कॉल करेंगे। हाँ, क्वेश्चन सेंड कर लेना, फिर कॉल कर लेना, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।